यह है कि हमारे कुछ बरादरान अहले सुन्नत एतराज करते हैं कि रुकू और सिजदे में सिर्फ जिक्र खुदा होना चाहिए, दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए। इसके बारे में कोई हवाला मिल सकता? क्योंकि पिछली दफा मैं अर्ज कर चुका हूं कि मेरा ज्यादा यहां पे अहम मकसद अपने मसाइल बताना, इसलिए बरादर ईमानी को सिर्फ अपनी किताबों का हवाला दे दूं। हमारी किताब तहजीब शेख तूसी की, मल्ला यहजुरहुल फकीह शेख सदूक की, फुरू काफी की तीसरी जिल्द, यानी काफी की तीसरी जिल्द और फुरू काफी की पहली जिल्द, मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी की, वसाइल शिया मोहम्मद इब्न हुर्र आमिली की और बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी की। इन पांचों किताबों में यह रिवायत कि मोमिन के लिए सदावार कि रुकू और सिजदे में जिक्र खुदा के बाद दुरूद जरूर भेजे, ये तो हुई एक खास रिवायत। इसके अलावा मैं एक आम मसला बता दूं जो बरादरान अहले सुन्नत भी मानते हैं और हमारे यहां भी माना हुआ मसला, कि खुद दुरूद क्या चीज है, खुद दुरूद क्या चीज है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद का मतलब क्या, वाले मोहम्मद का मतलब क्या, ये दुआ। और ये उसूल है तमाम मुसलमानों के पास कि नमाज में दुआ जितनी वक्त भी और जितनी जगह भी मांगी जा सकती। तो अगर कोई ये समझ रहा कि यहां पे हम जिक्र खुदा के साथ फजाइल मासूम बता रहे हैं या फजाइल रसूल बता रहे हैं तो वो गलत नहीं है। हम दुआ मांग रहे हैं, दुरूद एक दुआ है, ये जहन में रखिएगा। तो जब अपने लिए दुआ मांगने का हक है पूरी नमाज में, तो अगर रसूल वाले रसूल के लिए दुआ मांगे तो इसमें एतराज की कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए हमारे मराज का एक फतवा है कि अगर कोई आदमी नमाज खसूसन तशहुद अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद या अशहदु अन्न मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु के बाद अशहदु अन्न अलियन अमीरुल मोमिनीन कहे तो वो नमाज बातिल हो जाएगी। अगर किसी को कोई बिल्कुल जाहिल मसला है तो दूसरी बात, लेकिन अगर कोई जानबूझ के इस मसले की मुखालिफत कर रहा उसकी नमाज किसी लिए बातिल। कि बहरहाल ये दुआ ना रहे, ये दुआ ना रहे, जो दुआ है उसकी नमाज में हर जगह इजाजत, लेकिन जो तशहुद में बाद मकामात पर मैंने सुना कि अशहदु अन्ना अलियन अमीरुल मोमिनीना को भी तशहुद में बढ़ा दिया गया, इसमें क्या शक है कि अली अमीरुल मोमिनीन वली खुदा खलीफा बिला फसल, मगर जो नमाज अली ही ने हमको सिखाई उसके अंदर जो कुछ है उससे ज्यादा हमें कमी और बेशी का हक नहीं। जब अबू अय्यूब अंसारी सुन्नत रसूल के इतने पाबंद कि जिस खाने में रसूल की उंगली जहां लगेगी उसी उंगली पर हम अपनी उंगली रख के खाना खाएंगे, तो हमारे पास भी कोई इधर उधर होने की गुंजाइश नहीं है। इस गवाही से ज्यादा बड़ा कौन सी गवाही, मगर नमाज हमको वही पढ़ना है जो अली ने सिखाई। तो उनको बता दी कि इसीलिए हमारे मराजे अशहदु अन्ना अली अमीरुल मोमिनीन को मुब्दिले नमाज समझते हैं, लेकिन क्योंकि दुरूद दुआ आप रसूल और आले रसूल के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, रुकू में करें, सिजदे में करें, कुनूत में तो खैर करते ही हैं, अलहम के सूरे के बात करें, कुल वल्लाह के सूरे के बात करें, नमाज हर जगह सही है, तो ये गलतफहमी दूर हो जाए। दूसरा जो मसला या सवाल मुझसे इस वक्त